ગુજરાતમાં ભાજપની નીકળેલી ગૌરવ યાત્રા ઉપલેટા ખાતે આવી પહોંચતા તેનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. નાગનાથ ચોક ખાતે ભાજપના આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓએ બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહી અને વિશાળ બાઇક રેલી યોજી શહેરના મુખ્ય માર્ગો પર ફરી વળ્યા હતા. नरेंद्र मोदी जी के गुजरात में मुख्यमंत्री नाते और 8 साल तक भारत के प्रधानमंत्री नाते और 27 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने एक लगातार जो गुजरात में शासन किया है, गुजरात का विकास हुआ, भारत में जिस तरह से परिवर्तन हुआ, भारत भारतीय और भारतीयता का सम्मान जिस तरह से पुनर्स्थापित हुआ है, उस गौरव का गान करने के लिए गुजरात में ये यात्रा आयोजित की जा रही है. हम जा करके लोगों के बीच में अपने कामकाज का अपने उपलब्धियों का चर्चा करें, उनके सामने लेखा जोखा रखें और आने वाले समय में उनसे नए संकल्प करें, इस अपेक्षा के साथ में गुजरात में गौरव यात्रा का आयोजन हो रहा है. कहाँ शुरू है, कहाँ बोल रहे हैं? देखिए, ये जो यात्रा है ये भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि से द्वारकाधीश से शुरू होकर के और महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि पोरबंदर तक जाएगी. उसी तरह की 5 यात्राएं जो है देश भर में और प्रदेश भर में और चल रही है. देखिए, बहुत साहस की आवश्यकता होती है जब कोई राजनीतिक पार्टी 5 साल बाद में अपने मतदाताओं के पास में, अपने मतदाताओं के सामने चल करके उनके सामने जाती है, अपने किए हुए काम का वर्णन करती है, लोगों से एक बार फिर आशीर्वाद की कामना करती है. मुझे लगता है जिस तरह का उत्साह है, जिस तरह की ऊर्जा है, जिस तरह से गांव-गांव में लोग मिलकर के स्वागत कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं, मुझे लगता है कि भाजपा की और भरोसे की सरकार अब की बार प्रचंड बहुमत से एक बार फिर जीतने वाली है.